इस वीडियो में आप सभी के साथ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ जो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के बारे में रहने वाला है तो इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो उत्तराखंड के बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में रहेगा हम लोग ये समझेंगे की लास्ट ईयर दो हजार तेईस में जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए उसमें कट ऑफ कितनी गई थी कैटेगरी वाइज ठीक है तो उससे लाइक आपको जो है एक आइडिया मिल जाएगा इस साल काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपकी जितनी भी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ठीक है तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको ये मिलेगा कि भाई अगर मेरी रैंक इतनी है और प्रीवियस ईयर कट ऑफ इतनी गई थी तो क्या मेरे मतलब मेरे कितने चांसेस हो सकते हैं इस साल सेलेक्शन के और मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे टोटल वो आठ कॉलेजेस थे और इस बार जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की नंबर है वो नाइन है ठीक है यानी कि एक कॉलेज जो है वो अभी इंक्रीज हुआ है क्योंकि जो वेबसाइट के ऊपर एफिलेटेड कॉलेज की लिस्ट है अगर आप उसको डाउनलोड करके चेक करोगे मैं उसको एक बार वीडियो में भी शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में तो उसमें देखोगे कि पिछले साल के आठ कॉलेजेस तो हैं ही उसके साथ साथ जो है एक और कॉलेज जो कि उधम सिंह नगर में दिखा रहा है ठीक है तो उसकी सीट्स भी इंक्रीज हुई है ठीक है तो यह है कि मतलब जो मैं आपको कट ऑफ रेंट बताऊंगा प्रीवियस ईयर की उससे जो है थोड़ा आप ऊपर अगर हो तो आप जो है काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना ठीक है तो हम कैटेगरी वाइज ये सारी चीजों को समझेंगे कि भाई लास्ट ईयर जो है किस किस कैटेगरी में कौन से कौन से कोटा में आ, कितनी कितनी कट ऑफ रैंक गई थी ठीक है क्योंकि रैंक के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है यहां पर तो मार्क्स से इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जितनी रैंक आई है रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको जो है सीट अलॉट होती है ठीक है तो वहां पर मार्क्स जो है वो ज्यादा कोई मैटर नहीं करता बिकॉज ये है कि आ, आपको अगर रैंक दी गई है तो रैंक के अकॉर्डिंग ही आपका सीट अलॉटमेंट होता है मार्क्स से कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो मार्क्स है उन्हीं को ऑर्डर करके जो है उन्हीं का ऑर्डर अरेंज करके रैंक बनाई गई है तो अल्टीमेटली सीट अलॉटमेंट आपका रैंक के अकॉर्डिंग ही होगा ठीक है तो यहां पर जो है डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए और अगर आप मेरी पर्सनलाइज हेल्प लेना चाहते हो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए तो आप मेरे मेंटरशिप बैच में एनरोल कर सकते हो अगर आपको नहीं पता कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करना होता है किन किन चीजों का ध्यान रखना है कॉलेजेस कैसे फिल करने चाहिए ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए तो आप जो है अपनी रैंक मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे मेंटरशिप बैच में अन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता दूंगा कि आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के या नहीं है अब मान लो जनरल कैटेगरी में किसी की पन्द्रह रैंक है तो बीएससी नर्सिंग कोर्स मिलने के उसके गवर्नमेंट कॉलेज में चांसेस बिल्कुल ही जीरो है ठीक है तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा कि भैया आप मेंटरशिप बैच में एनरोल करो मैं सिर्फ उन्हीं को सजेस्ट करूंगा जिनके मुझे चांसेस लगते हैं तो वो लोग मेरे से काउंसलिंग करवा सकते हैं और उसका जो चार्ज है वो रूपीज टू हंड्रेड एंड नाइन्टी सेवन रूपीज है ठीक है तो वो वन टाइम आपका चार्ज रहेगा जितने भी राउंड होंगे आपके तीन राउंड हो या चार राउंड हो वो तो लास्ट तक जो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा ठीक है तो जिसको भी हेल्प चाहिए टेलीग्राम पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम आईडी आपके सामने स्क्रीन पर थी और जो है वो आप मेरे को मैसेज करके मैं आपको क्यू कोड सेंड करूंगा एंड उसके बाद पेमेंट कन्फर्म होने के बाद आप ग्रुप में एड कर दिए जाओगे साथ में आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा जिससे आप मेरे से पर्सनली डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो ठीक है तो आप चलो डिस्कशन यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं तो यहां पर देखो ये जो आपकी प्रोविजनल कंप्लीट ब्रॉडशीट है ये पिछले साल की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है ठीक है तो अभी हम लोग बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए कर रहे हैं बाकी हम धीरे धीरे बाकी कोर्सेज के लिए भी करेंगे कि पैरामेडिकल की कट ऑफ कितनी गई थी एएनएम की कितनी गई थी जीएनएम की कितनी गई थी ठीक है तो उसको मैं अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा और बाकी जैसे जैसे हमारे काउंसलिंग के राउंड आगे बढ़ते जाएंगे तो तब भी मैं आपको सेकंड राउंड थर्ड राउंड इन सबकी कट ऑफ बताता रहूंगा ठीक है ना तो देखो यहां पर ये जो है Uh, सबसे पहले हम लोग सर्च uh, करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए ठीक है तो जनरल कैटेगरी को जो है लास्ट ईयर uh, कितनी रैंक पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज यहां पर अलॉट हुआ था ठीक है तो यू आर ओपन करके मैंने सर्च कर लिया पहले हम ओपन कोटा से सर्च करेंगे फिर हम वेमेन कोटा से सर्च करेंगे तो यू आर ओपन में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज uh, मतलब कितनी रैंक पर मिला था ठीक है तो देखो सबसे लास्ट में जो कॉलेज अलॉट हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज वो, वो चंपावत वाला कॉलेज अलॉट हुआ था ठीक है तो यहां पर जो है मैं आपको दिखाता हूं ये ठीक है ये जो कैंडिडेट हैं ये आप देख सकते हो इनकी रैंक है 433 इनका नाम था काजल गुप्ता ठीक है और उसके बाद आप देखोगे यहां पर फीमेल जनरल ठीक है और यहाँ पर जो है इसमें डोमिसाइल में तो वैसे इनका नो लिखा है तो मुझे लगता नहीं कि इनको यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ होगा मतलब कॉलेज तो देखो अलॉट हुआ है बट हो सकता है इनको एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने डोमिसाइल में नो करा हुआ है और ठीक है या ऐसा भी हो सकता है कि इनका टेंथ और ट्वेल्थ जो है वो उत्तराखंड से हुआ हो जिस वजह से इन्होंने डोमिसाइल में नो करा और इनको फिर भी कॉलेज अलॉट हो गया और ठीक है तो ये हो गया और यहां पर आप देखोगे इनकी कैटेगरी जो है अलॉटेड कैटेगरी ये आप देख सकते हो अलॉटेड कैटेगरी लिखा है ठीक है तो अलॉटेड कैटेगरी क्या है यू आर ओपन है मतलब जनरल कैटेगरी और ओपन कोटा और इनको कॉलेज कौन सा मिला है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत ठीक है और ये स्टेट कोटा से मिला है और इनकी ये चॉइस कौन से नंबर की थी ये इनकी सेवन्थ नंबर की चॉइस थी ठीक है तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और इससे पीछे अगर हम चलते हैं तो यहां पर आप देखोगे इनके डोमिसाइल में यस है ठीक है और मैं आपको बता दूं हो सकता है कि ये जो कैंडिडेट थी फोर रैंक पर इनको कॉलेज अलॉट नहीं मतलब कॉलेज तो अलॉट हो गया होगा लेकिन इनको एडमिशन नहीं मिला होगा क्योंकि मैंने इसके बाद वाले राउंड में भी देखा तो लास्ट नाम जो दिखा है मुझे निशा पवार का ही दिखा है ठीक है तो ये है कि भाई डोमिसाइल अगर नहीं था तो हो सकता है इनकी इनको भले ही सीट मिल गई हो अलॉट हो गई हो लेकिन इनका एडमिशन नहीं हुआ होगा तो आप यही मान के चलो कि जो लास्ट ईयर रैंक गई थी वो 426 रैंक गई थी तो 426 रैंक पर आप देखो यहां पर ठीक है फोर हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स रैंक पर निशा पवार इनका नाम था और इनके मार्क्स जो है वो फिफ्टी सेवन थे ठीक है और उनका इनका जो है डोमिसाइल भी था उत्तराखंड का और इन्होंने लास्ट राउंड तक अपनी सीट को अपने पास ही रखा था तो ये हो सकता है अभी भी चंपावत कॉलेज चंपावत वाले कॉलेज में हो ठीक है तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो यूआर ओपन से मिला है कौन सा मिला है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत मिला है और ये जो इन्होंने प्रेफरेंस डाला था चंपावत वाला कॉलेज वो एट्थ नंबर पर डाला था ठीक है तो देखो जनरल कैटेगरी से ओपन कोटा को यूज करते हुए चार कट ऑफ रैंक गई थी पहले राउंड में ठीक है ना तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा और पिछले साल अगर इतनी रैंक गई है लेकिन देखो पिछले साल थोड़ी सी गड़बड़ भी हुई थी काउंसलिंग में क्योंकि पहले राउंड में क्या हुआ था दो दिन तक जो है जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था तो चंपावत वाले कॉलेज का ऑप्शन नहीं आ रहा था उसके बाद आया था चंपावत वाले कॉलेज का ऑप्शन तो हो सकता था कि इससे कट ऑफ थोड़ी कम जा, मतलब मतलब थोड़ी ज्यादा जाती मतलब ये कम रैंक पर ही क्लोज हो जाता है बट कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से यह कट ऑफ चार तक गई है बट फिर भी आप मान के चलो जैसे कि मतलब इस बार एक कॉलेज नया और एड हुआ है और प्रीवियस ईयर के डेटा को अगर हम देखते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और फाइव तक आपकी रैंक है तो आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए ठीक है 500 तक रैंक है तो मैं आपको साथ में एक आइडिया भी दे रहा हूं ठीक है ना तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगर मेरी हेल्प भी चाहिए काउंसलिंग में और आपको मेंटरशिप बैच में एनरोल करना है तो उसके लिए भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ठीक है तो जनरल कैटेगरी है और ओपन कोटा है तो आप जो है यहां पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फाइव रैंक तक तो पांच से ऊपर वाले भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं पांच एक थोड़ा सेफ आइडिया आपको बता रहा हूं कि इस साल जो कॉलेज एड हुआ है और प्रीवियस ईयर का जो डेटा है उसको मिलाकर ठीक है अब यहां पर हम लोग यू आर ओपन हमने डिस्कस कर लिया अब हम यहां पर देखेंगे उत्तराखंड वुमेन कोटा ठीक है तो उत्तराखंड वुमेन कोटा का मतलब ये होता है कि भाई जो भी उत्तराखंड से फीमेल कैंडिडेट है जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो वो यूआर वुमेन कोटा में आते हैं ठीक है ना तो यहां पर आप देखोगे इसमें जो कट ऑफ गई है ठीक है वो गई है रैंक 341 पे तो रैंक 341 पे गई थी इनका नाम है प्राची चौहान और ये उत्तराखंड वुमेन कोटा इनका था यूज करा था इन्होंने और डोमिसाइल इनका था ठीक है और इनको भी जो है यहां पर आप देख सकते हो सेवन नंबर पे जो इन्होंने कॉलेज फिल करा था गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत वो इनको मिल गया था ठीक है तो ये हो गई जनरल कैटेगरी में वुमेन कोटा की ठीक है अब मुझे एक चीज ये भी नहीं समझ आती पर कि ओपन कोटा से कम रैंक पर यहां पर वुमेन कोटा की कट ऑफ कैसे जा रही है बिकॉज मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले तो ओपन कोटा फिल होता है उसके बाद फिर वुमेन कोटा फिल होना चाहिए तो रैंक ऊपर जानी चाहिए बट मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या रीजन है ठीक है लेकिन जो डेटा है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो थ्री फोर्टी वन गई है पर ठीक है थ्री हंड्रेड फोर्टी है तो चार सौ साढ़े चार सौ रैंक है या नहीं है फॉर्म भरा होगा तब हो सकता है कि आपको ये बात याद ना हो ठीक है तो यू आर वुमेन आपके रिजल्ट में लिखा हुआ है तो भाई अगर आपकी 400 तक रैंक है तो आप जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें अब इसके बाद जो है यहां पर हम लोग देखेंगे ओबीसी कैटेगरी के बारे में ठीक है तो ओबीसी के लिए पहले हम ओपन कोटा देख लेते हैं ठीक है तो ओबीसी कैटेगरी में अभी ये लोड हो रहा है तो ये हो गया लोड ठीक है तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आप देखोगे यहां पर ये रैंक है 528 ठीक है और इनका कैंडिडेट का जो नाम था वो है किरण वर्मा और इनकी कैटेगरी ओबीसी थी इनका डोमिसाइल में, में यस लिखा है तो इनको कॉलेज अलॉट हुआ और इन्होंने एडमिशन लिया भी ठीक है एंड ये जो कैंडिडेट है आ, मैं आपको सच बताऊं तो ये मेरे ही कांटेक्ट में थी लास्ट ईयर और इनको मैंने ही गाइड किया था जिस वजह से इनको इतनी हायर रैंक पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाया क्योंकि क्या हुआ था लास्ट ईयर मैंने जैसे कि आपको बताया स्टार्टिंग के दो दिन टेक्निकल इशू की वजह से चंपावत वाला कॉलेज चॉइस फिलिंग में नहीं दिखाया जा रहा था ठीक है तो इन कैंडिडेट ने क्या करा था कि इन्होंने भी वही सेम गलती करी थी इन्होंने भी जल्दबाजी में पहले दिन ही अपनी चॉइस फिलिंग करके लॉक कर दी थी अब क्या हुआ कि चंपावत वाला कॉलेज ऐड नहीं हुआ ठीक है तो मैंने इनको ये सजेस्ट करा था कि आप क्या कर सकते हो आप करेक्शन कर सकते हो ठीक है करेक्शन फाइव हंड्रेड पे करके करना था तो चॉइस चौई, फिलिंग में करेक्शन का एक ऑप्शन भी आता है कि चॉइस फिलिंग आपने कर दी उसके बाद पांच सौ का करेक्शन फी देकर आप जो है करेक्शन कर सकते हो तो वो मैंने इनका करा था इनका फाइव हंड्रेड मैंने पे करके जो है मतलब और ये मैंने इनको गाइड करा था कि वो आप पे कर दो और उसके बाद फिर चंपावत वाला कॉलेज ऐड कर दो जिस वजह से 528 रैंक पर इनको जो है चंपावत वाला कॉलेज अलॉट हो गया था ठीक है तो ये लाइक एक अच्छी गाइडेंस की ही लाइक पहचान होती है कि भाई जहां पर भी आपको मौका मिल रहा है तो उसको यूज करके जो है आप बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकाल रहे हो ठीक है तो ये है और ये अभी चंपावत में ठीक है तो अगर कोई चंपावत में अगर इनको मतलब जब जाएगा तो इनसे पूछ भी सकता है मेरे बारे में ठीक है ना तो ये जो है इनको मिला था ओबीसी ओपन में और इनकी ये फिफ्थ चॉइस थी ठीक है तो फिफ्थ चॉइस इन्होंने इसलिए रखी थी बिकॉज ये कुमाऊ साइड से ही थी बाकी जो इन्होंने गढ़वाल वाले कॉलेज है क्योंकि चॉइस फिलिंग ये मैंने खुद ही करी थी जो चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड की मैंने खुद करी थी तो बाकी के जो तीन कॉलेजेस थे सिक्स सेवन्थ और एथ नंबर पे वो टेरी श्रीकोट और पौड़ी गढ़वाल और चमोली वाला रखा था क्योंकि वो गढ़वाल साइड में थे और ये जो कैंडिडेट है ये कहां से है ये आपकी कुमायऊ रीजन कुमाऊ रीजन से हल्दौनी साइड से थी तो जिस वजह से इन्होंने फिफ्थ नंबर पर चंपा रखा था और जिस वजह से इनको ये मिल गया ठीक है तो ये बात हो गई ओबीसी ओपन कोटा की तो देखो फाइव ट्वेंटी एट गई थी अब देखो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको इस साल का बताऊं तो ओबीसी में अगर आपका ओपन कोटा है और अगर आपकी छह सौ रैंक तक है तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट यहां पर फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं ठीक है अब उसके बाद ओबीसी वुमेन कोटा में देखते हैं एक बार ठीक है कि ओबीसी वुमेन कोटा में जो है कितनी गई थी कट ऑफ ठीक है तो ये आप देख सकते हो यहां पर ये कट ऑफ रैंक गई है फोर इनका नाम है आंचल ठीक है इनका डोमिसाइल भी था इनके मार्क्स थे फिफ्टी ठीक है और ये उत्तर प्रदेश का लिखा है एक बार चेक कर लेता हूं अच्छा ठीक है तो ये इनकी टेंथ की स्टेट है टेंथ की स्टेट इनकी यूपी थी बट इनका डोमिसाइल यस था जिस वजह से इनको कॉलेज मिला भी होगा और कॉलेज मिलने के बाद जो है यहां पर इनको सीट अलॉट हुई भी होगी मतलब सीट अलॉट हुई भी होगी और कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया होगा ठीक है और इनका भी वही था लास्ट चॉइस इन, इन्होंने चंपावत वाली फिल करी थी और इनको मिल गया था अब इसके बाद जो है तो ये आपका ओबीसी वुमेन कोटा हो गया तो ओबीसी वुमेन में मैं वही सजेस्ट करूंगा कि साढ़े पांच सौ छह सौ रैंक तक अगर आपकी है तो आप इस साल काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करें ठीक है अब हम लोग बात करते हैं यहां पर ईडब्ल्यू की ईडब्ल्यू ओपन कोटा ठीक है तो ओपन कोटा एक बार देख लेते हैं यहां पर ओके तो ये है ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो ठीक है तो देखो EWS में कितनी रैंक गई है एट हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सिक्स लेकिन देखो ये मैं बता रहा हूं कि पिछली बार वो जो टेक्निकल इश्यू हुआ था इसकी वजह से रैंक थोड़ी थोड़ी ऊपर तक चली गई है बिकॉज हुआ ये कि बच्चों को बहुत ज्यादा जल्दबाजी रहती है पहले दिन जैसे ही चॉइस फिलिंग ओपन होती है बच्चे चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है ना तो हुआ क्या कि बहुत सारे बच्चों ने सात ही कॉलेज भरे और आठवां जो चंपावत वाला कॉलेज था वो फिल नहीं करा लेकिन जिन्होंने बाद में करा या जिन्होंने करेक्शन करके करा क्योंकि मैंने ये अपनी यूट्यूब वाली वीडियो में भी बताया था कि भाई अगर आपसे गलती हो गई है तो आप अपना करेक्शन कर सकते हो तो जिन जिन कैंडिडेट्स ने उस बात को सुन लिया था उस टाइम पर और अपना आठवां कॉलेज में फिल कर दिया था तो जिस वजह से उनके मार्क्स कम होने के बावजूद भी उनको जो है चंपावत वाला गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिल गया था ठीक है तो यहां पर देखो इसी वजह से 806 रैंक तक गई है बट मुझे नहीं लगता कि इस साल इतना ऊपर तक जाएगा ईडब्ल्यूएस में ठीक है बट ये है फिर भी आप मान के चलो कि ईडब्ल्यूएस में आपकी रैंक मतलब इतनी मान लेते हैं क्योंकि इस साल एक कॉलेज भी ऐड हुआ है तो पिछली बार अगर कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ भी है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा चालीस सीटें और हैं ठीक है ना तो एक्स्ट्रा चालीस सीटें एक कॉलेज की और है तो हम यही मान लेते हैं कि भाई ईडब्लू में अगर आपकी आठ के आसपास रैंक है तो आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें ठीक है मतलब ये की नौ सौ भी रैंक है तो भी कर सकते हो हजार है तो भी कर सकते हो बट ये है कि लाइक प्रीवियस ईयर के डेटा को एनालाइज करते हुए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि भाई 800 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आप पार्टिसिपेट कर लो आपके चांसेस हो सकते हैं कॉलेज मिलने के ठीक है तो ये हो गया ईडब्ल्यूएस ओपन का अब हम देखेंगे ईडब्ल्यू एस वुमेन कोटा ठीक है तो ईडब्ल्यू में वुमेन कोटा देखते हैं कि उसमें जो है गवर्नमेंट कॉलेज कितनी रैंक तक मिला है ठीक है तो ये आप देख सकते हो 725 रैंक तक मिला है इनका नाम था दिशा करगेटी ठीक है और ईडब्ल्यू था इनका और यहाँ पर आप डोमिसाइल में यस देख सकते हो 53 मार्क्स मार्क्स इनके और इनको जो है कॉलेज जो मिला था वो मिला था गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर चमोली ठीक है तो ये इनको मिला था अब हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस वुमेन कोटा की जो सीट है वो हो सकता है चंपावत में ना हो अदरवाइज कट ऑफ थोड़ा और ऊपर तक जाती जिस वजह से इनको वो वाला कॉलेज में मिल सकता था तो इन्हें गोपेश्वर इसलिए मिला होगा क्योंकि वहां पर ईडब्ल्यूएस वुमेन कोटा की सीट रिजर्व होगी ठीक है अब यहां पर बात करते हैं अगली कैटेगरी की तो अगली कैटेगरी हम बात करते हैं एस ओपन ठीक है तो ऐसी कैटेगरी में देखते हैं कि भाई ओपन कोटा में जो कट ऑफ रैंक है वो यहां पर कितनी गई थी ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो टोटल 49 कैंडिडेट्स कैंडिडेट थे जिनको एससी कैटेगरी में ओपन कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था और इनकी जो रैंक है वो आप देख सकते हो कितनी गई थी 1468 ठीक है इनका नाम दीपिका सिंह है इनका भी डोमिसाइल था इनके मार्क्स 47 थे और इनको भी जो कॉलेज मिला था यहाँ पर चंपावत वाला कॉलेज मिला था ठीक है तो आप देख सकते हो चौदह रैंक तक गए तो इस बार भी आप मान लो कि भाई आपकी पंद्रह तक रैंक है अगर ठीक है पंद्रह सौ तक अगर आपकी एसी कैटेगरी में रैंक है तो आप पहले राउंड की काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें ठीक है पंद्रह सौ या सोलह सौ तक भी है तब भी आप कर सकते हैं अब इसके बाद देखते हैं यहां पर हम लोग एसी कैटेगरी में वुमेन कोटा ठीक है तो ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है क्योंकि बहुत बड़ी पीडीएफ है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो आ, ये देख सकते हो इलेवन फोर्टी वन गई थी कट ऑफ रैंक इनका नाम था तिशा ठीक है एससी कैटेगरी वुमेन कोटा एंड डोमिसाइल में ये से, मार्क्स से इनके फोर्टी नाइन थे और इनको भी जो कॉलेज मिला था चंपावत वाला कॉलेज अलॉट हुआ था ठीक है तो ये हो गया एससी कैटेगरी के, के बारे में अब हम देखेंगे एस कैटेगरी का ठीक है तो एस कैटेगरी में आप यहां पर देखो ठीक है तो ये पहले राउंड की कट ऑफ है अब लास्ट राउंड तक हो सकता है इससे थोड़ा ऊपर ही जाएगी कट ऑफ बट ये है कि जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि उसकी रैंक आपकी रैंक जो है उसके अंडर अंडर है नीचे नीचे है तो आप जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें ठीक है तो अब यहां पर आप नाइन्थ ये आप देख सकते हो ये एस कैटेगरी में सेवन सेवन एट सात रैंक पर यहां पर कट ऑफ गई थी इनका नाम है दिव्या गडियाल ठीक है और इनका एस टी कैटेगरी थी वुमेन कोटा था एंड डोमिसाइल में येस yes, इनके मार्क्स फिफ्टी थे और इनको भी जो कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में चंपावत वाला कॉलेज मिला है ठीक है तो ये है कि भाई अगर आपकी एस कैटेगरी में ओपन कोटा अगर आपका है तो सेवन सेवन एट गई है बट मैं फिर भी यहां बोलूंगा कि भाई एक हजार तक रैंक अगर आपकी है तो आप काउंसलिंग में जो है जरूर पार्टिसिपेट करें फर्स्ट राउंड में ठीक है ना अब हम देखेंगे एसटी कैटेगरी में जो वुमेन कोटा है ठीक है अभी तो हमने ये ओपन कोटा देखा है ठीक ठीक है है अच्छा थीके. तो देखो कैटेगरी में यहां पर क्या है कि वुमेन कोटा नहीं है यहां पर जो एस टी ओपन था मतलब एस टी कैटेगरी में ओपन था वही यहाँ पर सेवन सेवन एट गई है कट ऑफ उसके बाद एस टी कैटेगरी में वुमेन कोटा की कोई भी सीट यहां पर नहीं है जिस वजह से आगे यहाँ पर कोई भी डेटा शो नहीं कर रहा है वुमेन कोटा के लिए ठीक है तो ये था आपका तो हमने सारी कैटेगरी देख ली यहाँ पर जनरल कैटेगरी देख ली यूआर वाली और उसके बाद ओबीसी देख ली फिर हमने ईडब्ल्यू देखा फिर हमने एस सी कैटेगरी देखा फिर हमने एस टी कैटेगरी देखा ठीक है अब इसके बाद अगर मान लो आपको कोई और देखना है जैसे मान लो क्या बोलते हैं जैसे आपको मान लो कोई और कोटा देखना है जैसे एफ एफ वाला हो गया ठीक है अब ये पता नहीं सर्च करने पे आएगा ही नहीं आएगा तो वो आप इसी तरीके से अपना सर्च करके पीडीएफ में देख सकते हो ठीक है अगर आपको ये पीडीएफ चेक करनी है एनालाइज करना है तो मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा उसको जाकर आप ज्वाइन भी कर लो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और बाकी जो है ये पीडीएफ भी आप एक्सेस कर पाओगे ठीक है तो आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी आपको एक आइडिया रफ आइडिया मिल गया यहां पर कि भाई हमें जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अपनी रैंक के अकॉर्डिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ठीक है तो अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो आप काफी ज्यादा फायदे में रहोगे और बाकी मैंने बता दिया जिसको मेंटरशिप बैच में एनरोल होना है वो मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है तो उससे भी आपको काफी फायदा होगा तो टू एक बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है बट ये है कि उससे जो आपको मेरी हेल्प मिलेगी काउंसलिंग प्रोसेस में वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी ठीक है ना क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है काउंसलिंग कैसे करनी है चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और ये भी होता है कि कुछ मतलब डाउट्स होते हैं तो वो भी आप मेरे से जो है कंसल्ट कर सकते हो ठीक है तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेलाइकन को प्रेस कर लो और बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और बाकी जो बी एस सी कोर्स है एएनएम कोर्स है जीएनएम कोर्स है उस पर भी मैं यही कट ऑफ की वीडियो बना दूंगा पहले राउंड में पिछले साल कितनी गई थी तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा अगर आपने बाकी फर्दर एग्जाम्स दिए हैं कि अगर आपने पैरामेडिकल भी दिया था या जीएनएम भी दिया था तो उससे आपको बहुत अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा ठीक है तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कर सकते हो ओके सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे